हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसकी रोकथाम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने रेस मैदान से हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बिलासपुर जिला में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हिम सुरक्षा अभियान को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। वहीं इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस टीवी कुष्ठरोग मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों का पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जो प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में हिम सुरक्षा अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य संस्थाओं को मिलाकर 8,000 टीमें गठित की गई हैं और बिलासपुर जिला में भी लगभग 500 टीमों का गठन किया गया है, जो लोगों के घर घर जाकर जिला की लगभग 4 लाख से ज्यादा की आबादी को कवर कर लोगों की विभिन्न बीमारियों की सूचना एकत्रित करके विभाग को देंगे, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए हैं और उसके लिए हिम सुरक्षा योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शिमला से की है और उसी के तहत आज सभी जिलों के अंदर जो है इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के हर घर के हर भी है इसमें निगरानी और जांच करने का फैसला लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 में जो है इसके लिए हमारे मेडिकल पैरामेडिकल की और आंगनबाड़ी और हमारे जो CDPO ऑफिस के वर्कर्स हैं उन सबको मिलाकर ऐसी 8,000 टीमें पूरे हिमाचल प्रदेश में काम करेगी और हर घर में जाएगी। हर व्यक्ति का वहाँ एक वोकल जो है जानकारी प्राप्त करके कि कोई सिम्प्टोमेटिक उसमें है या नहीं है उसकी पूरी जानकारी लेकर जो है विभाग के पास आएगी और जो अगर कोई ऐसे लेने वाले वहाँ व्यक्ति मिलेंगे तो उनको यथोचित है जानकारी और सूचना विभाग की तरफ से वो दी जाएगी कि उनको आगे क्या करना है। साथ ही साथ अन्य जो कुछ जैसे कुछ रोगी हैं, टीबी मरीज हैं और ब्लड प्रेशर के हैं, डायबिटीज के हैं, ऐसे सभी मरीजों की भी पड़ताल घर घर जाकर की जाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यापक अभियान हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में किया है, जो एक विशेष अभियान है आज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है और आज जिला बिलासपुर में इसकी शुरुआत की गई। हिमाचल बिलासपुर जिला में लगभग 500 टीमें जो हैं पूरे जिला के अंदर घर घर जाकर इस योजना को मूर्त रूप देगी, ताकि हमारे गाँव का कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी जांच के बिना किसी देखभाल के इस कोविड-19 के प्रभाव से न रहे, इसलिए सबको उचित जानकारी सहायता मिले इसका प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को लिया है और उसके कारण ही आज एक आंदोलन के रूप में जागरूकता अभियान भी है और एक इस बीमारी के खिलाफ इस महामारी के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी ऐसे आशा वर्कर्स हैं और अन्य जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और हमारे जो महिला बाल विकास विभाग के वर्कर्स हैं ऐसे सारे मिलकर जो हैं इस अभियान को मूर्त रूप देंगे और हिमाचल प्रदेश को जो आज हम देख रहे हैं कि इसका प्रभाव बढ़ा है इसकी रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है और भी अन्य बहुत सारी बातें इसके साथ फैसले लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जैसे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इसके साथ ही लोगों को जो हाथ धोने की बात कही गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो डायरेक्शन दी उसके अनुसार के लिए फिर से जागरूकता अभियान के लोगों ने इसको थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ये प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो एक बहुत सारे था आज उसमें कुछ जिलों में तो बहुत ज्यादा ये प्रकोप बढ़ा है, जिससे सरकार चिंतित है और उसी की रोकथाम के लिए सरकार ने गंभीरता के साथ कदम उठाए हैं।
काम के लिए सरकार ने गंभीरता के साथ कदम उठाया।